तो मूवी की शुरुआत होती है जेहुन नाम के लड़के से, जो कि मजे से महेश भल्ले का गाना सुन रहा था। तभी वहां उसकी बहन आई, जो कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस में ले गई। असल में जेहुन ने स्कूल में कुछ कांड किए थे, जिसके चलते प्रिंसिपल उसका ट्रांसफर एक बहुत बेकार स्कूल में कर रही थी। तभी उसकी बहन प्रिंसिपल से बोली कि सोचिए, अगर ये आपका बेटा होता तो क्या आप इसे उस स्कूल में भेजती? तब प्रिंसिपल बोली कि मेरा बेटा कोई अनाथ नहीं होता। ये सुनकर इन दोनों भाई बहनों को काफी बुरा लगा, इसलिए गुस्से में जेहुन अपने प्रिंसिपल से बोला, चल कटोरा कटिंग वाली आंटी। अब घर जाकर उसने अपने नए स्कूल के बारे में पढ़ा, तो उसे पता चला कि उसका नया स्कूल पहले एक जेल हुआ करता था, जिसके ज्यादातर कैदी ही उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। साथ ही इस स्कूल में रूल रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगले दिन जेहुन फूफू करते हुए स्कूल में पहुंचा, जहां पहले ही दिन उसकी गुद्दी पर एक बॉल आकर लगी। ये बॉल और किसी ने नहीं बल्कि इन छह छछुंदरों ने मारी थी, जिनमें इसे देखो अबे खुजली मास्टर। जेहुन ने उनकी तरफ अपने चैलेंज का इशारा किया, तभी ये फटा मास्क उसकी तरफ आने लगा। अब जेहुन उसका फटा हुआ मास्क और फाड़ता कि इससे पहले ही ये छमिया खुद झुककर जेहुन से माफी मांगने लगी। ये बात जेहुन को इतनी अजीब लगी कि वो अपने पोज में ही खड़ा रह गया। खैर, यहाँ से वो टीचर रूम में पहुंचा, जहाँ के टीचर ने भी फूफू करते हुए जेहुन को उसकी क्लास बता दी, लेकिन अभी भी उसे अपनी क्लास की लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए वो इस डेकी सुकी जैसे दिखने वाले लड़के से अपनी क्लास का पता पूछने लगा। तब कुआन बोला कि आगे जाकर टॉयलेट के सामने ही तुम्हारी क्लास है। जेहुन को वो लड़का काफी सीधा साधा लगा, इसलिए वो उससे थोड़ा मजाक करके आगे चलता बना। अब उसने अपनी क्लास का गेट ऐसे खोला जैसे कोई परचून की दुकान खोल रहा हो। खैर, क्लास में घुसते ही उसने सारे स्टूडेंट्स को फाइट के लिए चैलेंज किया। तभी उनमें से एक स्टूडेंट युनसिक बड़ी एट में आकर बोला कि रूल के हिसाब से यहाँ से फाइट क्लब में ही लड़ाई कर सकते हैं, वरना तुम्हें तो मैं मार मार के ऐसे नचा देता। तब जेहुन समझ गया कि क्यों उस फटे मास्क ने बॉल मारने के बाद उससे सॉरी कहा था। इनकी ये बातचीत चली रही थी कि तभी वहाँ एक सायरन बजा, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे। ये सभी और कहीं नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचे, जहां बड़ी तगड़ी फाइट चल रही थी, जिसे देखकर जेहुन की भी हालत पतली होने लगी। फाइट क्लब में काफी टीचर्स भी अपने मनपसंद स्टूडेंट पर बैट लगाते थे। यहां से निकलकर युनसिक ने जेहुन को बताया कि रूल के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ उस फाइट क्लब में लड़ना ही अलाउड है। साथ ही जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही सारे स्टूडेंट्स का लीडर बनेगा, जिसके बाद वो स्कूल के किसी भी रूल को अपने हिसाब से बदल सकता है। युनसिक ने यह भी बताया कि इस टाइम हमारा लीडर टाइगर नाम का स्टूडेंट है, जो कि एक एक्सीडेंट के चलते कोमा में पड़ा हुआ है। ये सुनकर जेहुन बोला कि मतलब अभी कोई भी लीडर बन सकता है? तब युनसिक बोला, हाँ, लेकिन उससे पहले उसे स्कूल के टॉप 3 फाइटर से लड़ना होगा, जिनमें पहला है जूडो कैप्टन पार्क, दूसरा किंग नाम का बंदा, और तीसरा पता है कौन दोस्तों? हमारा डेकी सुकी उर्फ कुआन, जिसका जेहुन भाई साहब मजाक उड़ा के आए थे। जेहुन को लगा कि ये तो आसान है, इन फाइटर्स को हराओ और सारे स्टूडेंट के लीडर बन जाओ। इसलिए यहाँ से निकलकर वो सीधे कुआन को फाइट के लिए चैलेंज करने पहुंचा, जहां कुआन ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि वो रूल्स नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन तब भी कुआन के दोस्त जेहुन को तोड़ने आ गए, क्योंकि जेहुन ने एंट्री लेते ही इनके एक बंदे को प्रसाद दिया था। अब उन सब ने मिलकर जेहुन को प्रसाद दिया, साथ ही उन्होंने जेहुन को थोड़ा बुली करते हुए उसके गुलाबी रंग के नेकर की फोटो भी खींच ली। यहां से जेहुन अपने घर पहुंचा, जहां उसने खुद पर से लूजर का टैग हटाने का सोच लिया। इसलिए अगले ही दिन उसने युनसिक से पूछा कि मैं उन तीनों से कैसे लड़ सकता हूं। तब युनसिक बोला कि उन तीनों से लड़ने से पहले
तुम्हें फाइट क्लब में एक साथ 5 मैचेस जीतने होंगे, जिसके बाद तुम सीधा राउंड 16 में पहुंच जाओगे और फिर तुम्हारा मैच उन 3 फाइटर से होगा। ये बताकर युनसेक जेहुन को एक फाइट दिखाने ले गया, जिसमें हमारा डेगिसुगी जैसा कुआन अपने अपोनेंट को नोबिता बनाकर मार रहा था। जेहुन भी सोचने लगा कि ये सीधा साधा दिखने वाला बंदा इतना खतरनाक फाइटर कैसे हो सकता है। तभी उसने बिना सोचे अपना नाम टूर्नामेंट में लिखवा दिया। अब जेहुन का पहला मैच शुरू हुआ, जिसकी स्टार्टिंग में तो उसे थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने अपने अपोनेंट को एक टक्कर मार के बिछा दिया। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे इस सुकड़े ने इनके जबरदस्त फाइटर को हरा दिया। जेहुन के जीतने पर युनसेक भी काफी खुश हुआ। अब उसकी रोज एक फाइट होने लगी, जिसमें वो दूसरे फाइटर्स को अपने सर और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करके हरा देता था। इसके चलते युनसेक की भी मोटी कमाई होने लगी, क्योंकि वो जेहुन पर ही अपना सारा पैसा लगा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इस टीचर का दिवालिया निकलने लगा, क्योंकि इसने अपना सारा पैसा पुराने फाइटर्स पर लगाया था, जिससे गुस्सा होकर इस टीचर ने स्कूल के टॉप 3rd फाइटर पार्क को ये काम दिया कि अगले मैच में तुम जेहुन का काम खत्म कर दो, क्योंकि उसकी वजह से मेरा काफी लॉस हुआ है। यहाँ ये दोनों अपना भंडारा कर रहे थे, तभी इनके पीछे से जोड़ो कैप्टन पार्क पहुंच गया, जो कि खुद में ही एक मैदा का पहाड़ था। असल में वो जेहुन को वार्निंग देने आया था कि कल के लिए आयोडेक्स, मूव, गर्म पट्टी सब तैयार कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारी उठापटक करने वाला हूँ। यहाँ से जेहुन घर पहुंचा, जहाँ रात को वो जूडो की पावर और वीकनेस के बारे में पढ़ने लगा, ताकि कल के मैच में वो पार्क का सामना कर पाए। और उसे क्या ट्रिक पता चली, ये हमें फाइट में पता चलेगा। अब अगले दिन इन दोनों का मैच शुरू हुआ, जहाँ पार्क ने अपनी मैदा की जान दिखाते हुए जेहुन को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। पार्क ने उसे इतना पटका कि उसकी दही टेढ़ी हो गई। तभी जेहुन खड़ा होकर अपनी टी शर्ट उतारने लगा, लेकिन क्या उसे गर्मी लग रही थी? अरे नहीं जी, वो तो ऐसा करके खुद के ऊपर पार्क की पकड़ कमजोर कर रहा था। उसकी इस टेक्निक से वो पार्क के हाथों में नहीं आया, जिसका फायदा उठाकर जेहुन ने पार्क के मुंह पर अपने घुटने का मार्क बना दिया। मार्क बनते ही जेहुन की जीत पक्की हो गई। उसकी इस जीत से क्लास में उसका अलग ही टोरा हो गया। फिर उसने पूरी क्लास के सामने अपने बिस्लेरी के माइक से एक बढ़िया भाषण सुनाया, लेकिन इतने में ही यहाँ किंग पहुंचा, जिसने जेहुन को याद दिलाया कि कल तुम्हारा मैच मेरे साथ होने वाला है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी करके आना। अगले दिन किंग और जेहुन दोनों ही मैच के लिए फाइट क्लब में पहुंच गए, जहां मैच स्टार्ट होते ही हमें पता चला कि किंग की पिटने की क्षमता कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, इसलिए जेहुन के किसी भी वार का उस पर कोई असर ही ना होवे, लेकिन किंग के वार का जेहुन पर पूरा असर होवे। तभी किंग बीच मैच में प्रेयर करने लगा कि थैंक यू पापा, आपने मुझे बेल्टों से इतना मारा कि आज मुझे इनकी मार फील ही नहीं होती। खैर, किंग एकदम बंदरों की तरह जेहुन पर कूद रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके छल्ले से उसका फेवरेट खिलौना गायब है, जिसे वो वापस बंदरों की तरह ही ढूंढने लगा। तभी उस खिलौने पर जेहुन की नजर पड़ी, जिसको उसने बिना सोचे समझे सटक लिया। ये देखकर किंग बौखला गया, जिसका फायदा उठाकर जेहुन ने किंग का KO कर दिया। इस मैच की जीत से सभी लोग खुश हुए, लेकिन अचानक से इनके खुशी से भरे चेहरे डर में बदल गए, क्योंकि यहाँ जिसकी एंट्री हुई उसका हुलिया हमें आगे पता चलेगा। यहाँ युनसेक फाइट के पैसे गिनने लगा और अंदर जेहुन उस सटके हुए खिलौने को रास्ता दिखाने लगा। दूसरी तरफ कुआन टाइगर के पास पहुंचा, तब हमें पता चला कि किंग और जेहुन की फाइट के बीच में आने वाला बंदा टाइगर ही था। कुआन उससे बोला कि हमें क्लब के रूल नहीं तोड़ने चाहिए,
तो टाइगर बोला कि मैं यहाँ रूल तोड़ने ही आया हूँ। फिर क्वान बोला कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें ही तोड़ दूँ। ये सुनकर टाइगर को गुस्सा आ गया और वो क्वान को लेकर क्लब में पहुंचा, जहाँ लीडर बनने के लिए इन दोनों की फाइट शुरू हो गई, जिसे देखने युनसिक, जेहुन और बाकी लोग पहुंचे जिनका मुझे नाम नहीं पता। खैर फाइट में टाइगर ने बिल्कुल भी रहम ना करते हुए क्वान का मुंह सुजा दिया, जिसके बाद वो बहुत ब्रूटली मैच जीतकर दोबारा लीडर बन गया। लेकिन लीडर बनते ही उसने सबसे पहले फाइट क्लब बंद कर दिया कि अब से जिसका जहां मन हो, जिसको मारने का मन हो, वो उसे वहीं फोड़ सकता है। साथ ही उसने किंग और पार्क को भी खूब तोड़ा ताकि उसके आगे कोई आवाज ना उठा पाए। टाइगर के लीडर होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ रहना चाहते थे ताकि उन पर कोई अटैक ना कर दे, जिन स्टूडेंट्स में खुद युनसिक भी शामिल था। एक दिन युनसिक ने टाइगर के ग्रुप से सुना कि वो लोग जेहुन को मारने का प्लान कर रहे हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा डर गया क्योंकि जेहुन उसका भी दोस्त था। ये बात बताने वो उसके पास पहुंचा और बोला कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो आज ही ये स्कूल छोड़कर चले जाओ। तभी उन्होंने यहाँ किसी की आवाज़ सुनी, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद टाइगर था, जिससे छुपकर ये दोनों बाथरूम में बंद हो गए। थोड़ी देर बाद युनसिक ने टाइगर और उसके चेलों को जाकर बताया कि जेहुन अब स्कूल छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर वो सब हंसने लगे और फिर टाइगर ने युनसिक पर ही हमला कर दिया, क्योंकि उसने बाथरूम में युनसिक और जेहुन की बात सुन ली थी। यहाँ जेहुन स्कूल छोड़कर जाने लगा, तभी एक स्टूडेंट ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त खतरे में है। ये सुनते ही वो घायल युनसिक के पास पहुंचा, जहाँ टाइगर ने भी अपनी दस्तक देते हुए जेहुन को एक फाइट के लिए चैलेंज किया। अपने दोस्त का यह हाल देखकर और स्कूल का लीडर बनने का सपना सोचकर जेहुन में एक अलग ही मोटिवेशन आ गई, जिसके बाद वो तभी के तभी टाइगर से लड़ने पहुंचा। लेकिन टाइगर से पहले उसके बंदों ने जेहुन पर अटैक कर दिया। वो सब जेहुन पर एक साथ बरसे थे, जिस वजह से जेहुन उन्हें हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन तभी वहाँ पार्क, किंग और कुआन पहुंच गए, जिन्होंने टाइगर के बंदों की बजानी शुरू कर दी। अब थोड़ा रेस्ट मिलते ही जेहुन भी टाइगर से लड़ने लगा। टाइगर ने उसे अपने साथ लड़ने के लिए एक अलग रूम में बुलाया, जहां इनकी बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो गई। टाइगर फुल ब्रूटली अटैकिंग मोड में था और जेहुन जैसे तैसे उसके अटैक से बच रहा था। लेकिन तभी जेहुन ने टाइगर की आंतड़ियां ढीली करके उसे घूसे में ही बिछा दिया, जिसके बाद वो खुद स्कूल का लीडर बन गया और उसने सबसे पहले फाइट क्लब को दोबारा शुरू करवाया, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुकी थी कि अगर कोई फाइट बिना रूल्स के होगी तो उसमें किसी एक फाइटर की जान जरूर जाएगी, जो कि बहुत कीमती होती है, क्योंकि एक फाइटर और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब मूवी के एंड में हमें जेहुन और क्वान की लड़ाई का सीन दिखाया गया, लेकिन इन्होंने बस सीन दिखाया इसलिए खुद से फाइट एज्यूम करके ये बताना कि क्वान और जेहुन में से कौन जीतेगा। साथ ही ये रहा आज का शॉर्ट आउट। अब कहानी और एक्सप्लेनेशन दोनों कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि परसों शाम 8 बजे करीब अपलोड हो जाएगी। इतने तब तक के लिए जय हिंद।